हाँ जी बाबा, देवी देवताओं का जन्म दिव्य कहा गया है वो कैसा होता? देवी देवताओं का जन्म दिव्य होता है वो कैसा? ब्रह्मा बाबा देवी देवता हैं या नहीं है? ब्रह्मा सरस्वती ओम राधे देवी देवताओं की लिस्ट में हैं या नहीं है? तो जब वो प्रवेश करते हैं बच्चों में तो धूम धड़ाका मचाते हैं, दुख देते हैं या सुख देते हैं? है तो उनका भी दिव्य जन्म है। और दिव्य माने देवताई, देवताई अर्थात देने वाला। हाँ रघुपत को जाए जहाँ जन्म हरिभक्त कहा है। हाँ रघुबर किसे कहा जाता है? राम को रघुबर कहा जाता है। और अंतकाल का जन्म कौन सा है? संगम युगी अंतकाल का जन्म है। तो राम वाली आत्मा निमित्त बनती है नई दुनिया बनाने के लिए। तो समझ में आया? हाँ जी नई दुनिया विनाश के बाद आएगी कि पहले आएगी? बाद में आएगी। जो स्थूल नई दुनिया है वो तो बाद में आएगी। तो स्थूल कृष्ण भी बाद में आएगा। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। हाँ तो नंबर वार बच्चे रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर धारण करते हैं। हाँ नंबर वार राष्ट्रपति बाद में आते हैं। तो रूलिंग पावर नंबर वार होगी तो नंबर वार राजाएं बनेंगे या एक जैसे राजाएं बनेंगे? रूलिंग नहीं होगी, कम होगी तो राजाएं भी वैसे ही बनेंगे। रूल कहते हैं नियम, कानून। कानून को बनाना और कानून के ऊपर स्वयं डरा रहना। कोई कोई ऐसे होते हैं कानून तो बनाए देते हैं, जैसे आज की गवर्नमेंट के मंत्री खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही कानून तोड़ देते हैं। तो उनकी रूलिंग पावर ज्यादा समय चलती है या थोड़े समय चलती है? थोड़े समय चलती है तो नंबर वार हो जाते हैं। मनसा सेवा करो और उसमें बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा करो। एडवांस में हम ट्रैफिक कंट्रोल, मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मनसा सेवा कैसे होगी? मन को कंट्रोल करना जिसने सीखा होगा वो ही मनसा सेवा कर सकेगा। मन कंट्रोल में बाहर है, कंट्रोल में नहीं आता है, इधर उधर भागता है, तो मनसा सेवा होगी? वाइब्रेशन बनेगा सेवा का? नहीं बनेगा। बाबा, एक वार्ता आपने बोला है सतयुग आदि में 16,108 प्रत्यक्ष मौजूद नहीं रहेंगे। है सतयुग आदि में? हाँ 16,108 आत्माएं प्रत्यक्ष मौजूद नहीं रहेगी। है त्रेता के अंत में 16,108 की संख्या पूरी होगी, ऊपर से अपना आती है। 9,16,108 का सतयुग की संख्या है। प्रिंस प्रिंसेस की बात बताई,
आपने आगे पीछे मुरली पढ़ी नहीं। प्रिंस प्रिंसेस जो हैं उनकी संख्या पूरी होती है त्रेता के अंत में 16,108। सत्युग के आदि में प्रिंस प्रिंसेस नहीं होंगे इतने, एक ही प्रिंस होगा, कौन? श्री कृष्ण। और त्रेता के अंत में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। और मुरली ने बोला बहुत काल का बाप समान बनना बहुत भारी है। पुरुषार्थ नहीं भारी है, है? पुरुषार्थ भी भारी है तो बाप समान बनना भी भारी है। पुरुषार्थ हो नहीं लंबे काल का और बन जाए तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। बाबा 16,000 कई गायन है ना, आती है सुख कुछ ना तो। हाँ जी। और फिर वो तो देवता के अंदर तो उतरते हैं। हाँ। और गायन तो संगम तो 16,000। संगम युग में शूटिंग होती है एक एक सेकंड में। संख्या भी तो 16,000 है। आबादी बताई, लेकिन उस आबादी में वो 16,000 प्रजा वर्ग में होंगे या राज वर्ग में होंगे? प्रजा वर्ग में होंगे। और 2012 के बाद जो 13 चल रहा था तो बाप गुप्त में सेवा करेंगे, बाप गुप्त में सेवा करेंगे और जगदम्बा का आने वाली है। ये कौन सी मुरली में बोला? मैं बोला यानी जब कोर्स करने के बाद ये मुरली में कौन सी है? अभ्यक्त वाणी में कौन सी में बोला? नहीं नहीं अभ्यक्त वाणी में नहीं बोला। फिर मनमत क्यों चलाना? कोर्स में हमें बाप ने तो कहा है बाप बच्चों के सामने सदा हाजिर रहेगा, जो बच्चे बने हुए होंगे उनके सामने हाजिर होगा। बच्चों की लिस्ट में नहीं है, विरोधियों की लिस्ट में आ गए तो उनके सामने हाजिर नहीं होगा। 2013 के बाद जगदम्बा आने वाली है, तो ये 2000 आने वाली को गई कहाँ है? है घूंघट में रखा है ना? हाँ घूंघट में है, बाकी ऐसे तो नहीं है कि आई नहीं है। है तो कोई पहचानते हैं और कोई कोई के लिए घूंघट में है। तो बाप का सदगुरु का पाठ कब चलेगा? इसके बीच में 12 और 18 के बीच में, क्योंकि 18 को बाप को प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्ष होने के बाद सदगुरु का पाठ चलेगा, धर्मराज का पाठ चलेगा या पहले चलेगा? बाद में चलेगा। बाप कहते हैं कि जो जो आत्मा 84 जन्म लेती है वही सतयोग में जाके जन्म लेती है, वही सतयोग में जाके जन्म लेती। ठीक है, 84 जन्म लेने वाले सब सतयुग में जाके जन्म नहीं लेंगे। सतयुग में तो 8वें जन्म में ऐसे ऐसे भी जन्म लेंगे जिनके 7 जन्म कम हो जाएंगे। हाँ सतयुग के आज में जो जन्म होगा उसकी बात है। अव्यक्त वाणी में बीच में 2007 की वाणी में बोला है 8,09,005 ऐसी संख्या बोली है, तो 8,50,000 ऐसी कुछ ऐसी कुछ संख्या बताइए। हम जब हम बेसिक में थे तो 8,00,000 कुछ बोला है, तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा क्यों बोला है जो 8,00,000 संख्या उल्लेख किया है? तो आप बात बना रहे हैं 8,00,000 बोला है? नहीं नहीं अव्यक्त वाणी में है। अरे 9,00,000 सती की संख्या है पर 8,00,000 पूरे ऐसा ब्रह्मा बाबा ने बोला है अव्यक्त वाणी में। 7-8 की वाणी है, मैं बताऊंगा वाणी। वो आर्य समाजियों को निकाल दिया,
क्योंकि वैल्यू लेस हैं। अगर बोला है तो। और बाबा वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर भेंट करते हैं। राम वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर भेंट करते हैं। क्या भेंट करते हैं? तो राम की तुलसी महादेव को चढ़ाते हैं और महादेव का बेल राम को चढ़ाते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या है? वही महादेव है, वही राम है, वही कृष्ण है। हे कृष्ण नारायण वासुदेव अच्युतम केशवम राम नारायणम, वो एक ही तो है। और बाबा शिव बाबा प्रभात के समय आते हैं तो उसके रात नहीं देंगे, उसका अर्थ क्या है? प्रभात के समय आते हैं तो प्रभात के समय नहीं आते हैं? प्रभात के समय आते आधी रात नहीं कहेंगे? प्रभात के समय नहीं आते हैं। प्रमाणे प्रकष्ट रूप, भात माने रोशनी वाला, तो आधी रात में प्रकष्ट रोशनी होती है क्या? ये तो विदेशियों की बात हो गई, विदेशी मानते हैं आधी रात को दिन शुरू होता है उनका, तारीख शुरू होती है। भारतवासी नहीं मानते, भारतवासी प्रैक्टिकल को मानते हैं। और बाबा अमित वाणी में बोला है ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, इसमें अर्थ क्या है बाबा? ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है कि ज्वाला जो है अग्नि ज्वाला रूप बन जाती है तो अच्छा काम करती है, कि धीमी अग्नि होती है तो तेज काम करती है। सोना कब गलता है? तो ये भी ज्वाला रूप बनना पड़े, तभी पूर्व जन्म के संस्कार भस्म होंगे। और बाबा राजस्थान को आलू का कमरा बताया। हाँ क्या? तो जल्दी से पहुंच जाओ। आबू है ही, माउंट आबू है ही राजस्थान के अंदर, गुजरात गुजरात तो दूर है, गुजरात स्टेट दूर कहेंगे, और आबू या माउंट आबू कौन सा प्रदेश है? राजस्थान है। और मुर्मू बोला कि एक सेकंड में 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। हाँ। वो एक सेकंड संघर्ष में कौन सा है? जब आपकी संपूर्ण स्टेज हो उस समय। एक सेकंड में विश्व की बात चाहिए। अंतिम समय का। हाँ जी। और बैठे रहो। अब तो ये कल नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं जिसका मुरली से प्यार, जिसका मुरली से प्यार उसका मुरली धर से है। तो पूछना क्या है? तो इसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा? इसका बेहद का अर्थ यही है कि मुरली से उसको भी प्यार होगा, जिसको निराकार शिव बाबा की वाणी से प्यार होगा। नहीं तो शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी से प्यार हो जाएगा। शिव बाबा से प्यार है, शिव बाबा से प्यार है, तो शिव बाबा तनधारी है या ज्ञानधारी है? वो तो ज्ञान का सागर है और तो कुछ नहीं है, तीनों काल का ज्ञान समाया हुआ है, तो उस ज्ञान से प्यार होना चाहिए। उनको कहते हैं मुख वंशावली और कुख वंशावली।
जिनका मुख से निकले हुए ज्ञान से प्यार है वो मुख वंशावली बच्चे हैं, और जिनका मुख से निकले हुए ज्ञान से प्यार नहीं है, मुख से प्यार है, कुख से प्यार है, तन से प्यार है, गोद से प्यार है, गोद में ज्यादा खेले हैं, उनको क्या याद आता है? गोद ही याद आती है। तो घाटे में रहे या फायदे में रहे? घाटे में रहे। बाबा ये तो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला गया है। हाँ, साकार में भी जब साकार में बाबा का पाठ चालू 76 से हुआ तो अभी आदि में जिन बच्चों ने गोद का क्या दिया उनको भी तो गोद याद आती है, ऐसा भी है क्या बाबा? वो अब बेहद के बच्चे हैं के हद के बच्चे हैं, तो बेहद के बच्चे ज्ञान को प्रेफरेंस देंगे या गोद को प्रेफरेंस देंगे? हाँ, बाबा का साकार रूप ही याद आता है, वो भी बीज रूप आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ज्ञान बुद्धि में आता है कि बाबा के साथ नहीं, अगर ज्ञान बुद्धि में रहता है और देह में आकर्षित ज्यादा हो जाती है, ज्ञान में उतनी आकर्षित नहीं हो पाती है, तो उनका भी वो ही हाल होगा जो बेसिक में हाल हुआ है, कन्वर्ट हो जावेंगे। उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, अगले जन्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। और अभी तुम्हारी ने बोला कि तू बच्चे मास्टर सर्व शक्तिमान की सीट पर सेट हो जाओ, है सीट पर सेट होंगे तभी शक्ति हाजिर होगी, है पर सेट नहीं होते तो शक्ति हाजिर नहीं होती। ठीक है, सेट होना माने प्रैक्टिकल में बैठ जाना, सिर्फ कहने की बात नहीं है। मास्टर का मतलब ही है प्रैक्टिकल करने वाला, शिव ज्योति बिंदु प्रैक्टिकल करने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए शरीर चाहिए, तो बच्चों को शरीर है या सुप्रीम सोल को शरीर है? है बच्चों को शरीर है, तो जिनको शरीर है वो ही प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। पहले ग्रुप में 4 मिनिस्टर है, दूसरे धर्म से है, फिर वहाँ दूसरे धर्म से नहीं है, आखिरी जन्म में जाकर के दूसरे धर्म से फुल कनेक्टेड हो जाते हैं। तो वो बीज रूप आत्मा ही है? हाँ जी, फिर वहाँ तो 11 ही बचे, 11 12 की ग्रुप है ना? हाँ, तो 11 क्यों बचे? एक इधर आ गया, कहाँ आ गया? तो उसमें तो सारी दुनिया समाई हुई है, अच्छे से अच्छे समाये हुए हैं और बुरे से। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, तो 11 भी उसमें समाये हुए हैं। और बाप दादा अवेक वाणी ने बोला है, बाप दादा ने पहले भी कहा जब भी टेंशन आएगा ए लगा दो, है उसको ऐड कर दो, है इसका बेहद में अर्थ क्या है बाबा? अलिफ लगा दो, अलिफ को टेंशन आता है क्या? क्या अटेंशन में रहता है, खड़ा रहता है? अटेंशन में है तो उसको याद करो, तुम्हारे में भी वो ताकत आ जाएगी। और जब 4.5 लाख आत्माओं की भक्ति होगी तो कृष्ण जन्म होगा, सतयुग में 4.5 लाख आत्माएं परमधाम से इकट्ठी उतर आवेंगी या धीरे धीरे करके उतरेंगी? तो कौन से कृष्ण की बात हुई? है संगम ही कृष्ण की बात हो सकती है। हाँ जी बाबा, हाँ भागीरथ जी क्यों कहते हो? तो भागीरथ रहते विश्व का मालिक बनाते हो, उनका अर्थ का अर्थ समझा भागीरथ।
भाग्यशाली ना भागीरथ क्यों कहते हो क्योंकि वो तो भाग्यशाली रहती है हमारे बनाने शिव बाप बनाते हैं भागीरथ को भाग्यशाली भागीरथ नहीं बनाता है शिव बाबा भागीरथ को भाग्यशाली बनाते हैं विश्व का मालिक बनाते हैं ये अर्थ है और बाबा शिव के मंदिर में आधी परिक्रमा क्यों लगाते हैं क्या आते बाबा नाली को क्रॉस किया माने बैल बन गए जानवर बुद्धि है तो बैल बनना है या संगम युग में भगवान भगवती की स्टेज पकड़ना है देवताएं तो बुद्धू होते हैं देवताओं को जन्म देने वाले भगवान भगवती की स्टेज वाले होते हैं यथा राजा तथा प्रजा आदि में बहुत बाकी आत्मा ने अच्छे से पहचान आदि में जो आत्मा ने बाबा को अच्छे से सहयोग उनके बुद्धि में अच्छी रीति के होगी बेटा आरू देवी अशोक पावर चंद्र जिसको सहयोग दिए उसकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठा कि वो भी छोड़ के चला गया वो भी फेल हो गया तो जब मुखिया ही फेल हो गए तो सारे ही फेल हो गए राम फेल हो गए कैसे बताएंगे हैं राम फेल हो गए आज भाग गया ना बाबा 87-88 में ब्रह्मा बाबा मधुबन में नहीं गए थे पूरी सीजन और तो 98 में भी नहीं गए थे ऐसा ऐसे तो नहीं है 98 में तो गए थे पहली सीजन हाँ 98 में भी अव्यक्तवाणी चली है बाबा जब राम रावण का युद्ध हुआ ना विभीषण ने मदद की राम को और उसके बाद राम को रावण खत्म होने के बाद में लंका का राज्य विभीषण को दिया कैसे क्यों राज्य लेंगे नहीं संगम युग में रावण राज्य तो खत्म हो जाएगा रावण राज्य खत्म हो जाएगा भले तभी तो राज्य लेंगे लंका में ये सारी दुनिया लंका है या नहीं है तो राज्य लेंगे आप या नहीं लेंगे विशेष भीषण विशेष भयंकर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए दुनिया वाले भयंकर हैं या जो ज्ञान से टूट करके राम की पाला में चले आए हैं वो ज्यादा भयंकर हैं तो सब विभीषण है ना बाबा ने बोला है कि त्रिभुजी का चित्र एक्यूरेट चाहिए है तो अभी पहले चित्र में ब्रह्मा यानी दादा लेखराज का पूर्ण क्लियर चित्र दिखाई देता है तो शंकर के चित्र के सामने या उसके जगह राम वाली आत्मा का चित्र कब आएगा जब प्रत्यक्षता होगी तब आएगा के बाद में आएगा शंकर प्रैक्टिकल में विनाश करता है कौन करता है शक्तियाँ विनाश करती हैं तो बाबा ने भी बोल दिया कि जगदम्बा का चित्र होना चाहिए त्रिमूर्ति में शंकर की जगह तो समझाने में सहज होगा क्योंकि जगदम्बा ही महाकाली का रूप धारण करती है असुरों का संहार करती है और उसके पहले ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बने सर राम वाली आत्मा ने 69 से 76 में जो 60 साल का पुरुषार्थ है वो 7 साल में किया है 7 साल का पुरुषार्थ यानी 60 साल का यानी बाबा बोलते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर रहा हूँ कि 60 साल उम्र होती है तो राम जो प्रवेश करता है यानी राम वाले 69 से 76 में ये 60 साल राम वाले आत्मा को मिले तो उन्होंने 4 साल का अभ्यास किया प्रवेश कहाँ साबित होता है जब
जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद, हाँ तो प्रवेश साबित कहाँ हुआ? साबित तो 76 में हुआ ना, वो जो पूरी बुद्धि उन्होंने यहाँ पे लगाई ना कि गीता का भगवान या सृष्टि का पहला सबको स्टडी कर रहे थे, जब राम वाली आत्मा पीएचडी कर रही थी तो 60 साल में उनको पता चल गया, और 76 में अव्यक्त बाप दादा ने घोषणा कर दी कि बाप प्रत्यक्ष हो चुके थे। तो इसका मेन क्या है, यानी वो अभी मैंने फिर से चित्र त्रिमूर्ति के ऊपर लाता हूँ कि शंकर की जगह क्यों राम वाली आत्मा क्यों, शंकर की जगह राम वाली आत्मा। हाँ, राम वाली आत्मा का पुरुषार्थ अच्छा है, उन्होंने पूरा ज्ञान समझ लिया 7 साल में। हाँ? तो वैसे ब्रह्मा को अभी तक ज्ञान भी नहीं समझा है। हाँ? वो तो बच्चा है, पढ़ रहा है। हाँ? बाप से सीख रहा है। हाँ? तो उसका फोटो क्यों आया है? इसका ब्रह्मा बाबा का ये झूठ खंड चल रहा है, सच खंड चल रहा है, कौन सा खंड चल रहा है? तो झूठ खंड में झूठ ही चलेगा या सच चलेगा? झूठ ही चलेगा। और बाबा, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, ऐसा क्यों बोला? और ब्रह्मा और सरस्वती देवताएं हैं या नहीं है? है? और ब्रह्मा भोजन प्रैक्टिकल में कहाँ बनता है? एडवांस में बनता है, क्योंकि एडवांस वाले बाप को पहचानते हैं तो उसकी याद में रहते हैं, तो ब्रह्मा भोजन हुआ ना। आप कहते हैं मेरे बच्चों को मैं नैनों तो छोटे होते हैं, हैं? और बाप दादा तो इतने छोटे नहीं होंगे, तो नैन तो खुले रहेंगे कि दब जाएंगे, हैं? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का मतलब है ऐसी तीखी दृष्टि देंगे कि इस दृष्टि की दृष्टि के प्रभाव से बच्चे ऊपर उड़ जाएंगे, नीचे की स्टेज खत्म हो जाएगी। और बाबा, औरंगाबाद के पास ओंडा नागनाथ का मंदिर है, तो उस मंदिर शिव का मंदिर है, उसके सामने नंदी है, वहाँ के लोग बताते हैं वो नंदी रोज एक तीर पीछे खिसकता है, इसका बहन में अर्थ क्या है बाबा? और रंग जहाँ आबाद होने लगे उसको कहेंगे औरंगाबाद। तो जहाँ और रंग आबाद होते हैं वो कौन सा युग होता है? है? कलयुग होता है। तो कलयुग में रामकृष्ण की आत्माएं पीछे घटेंगी या आगे बढ़ेंगी? पीछे ही घटेंगी। हाँ, परिवार में आने से अच्छा है प्रजा में आता। और क्या, ज्ञान धर्म से पूरे अर्पण होंगे ईश्वरीय सेवा में, और इस स्थूल धन से भी पूरे अर्पण होंगे सेवा में, ईश्वरीय सेवा में, वो जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे। सरेंडर नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से सेवा पूरी करेंगे, और जो भी धन है उस धन को भी ईश्वरीय सेवा में पूरा लगाएंगे, अपने स्वार्थ में नहीं लगावेंगे। वो जन्म जन्मांतर के साहूकार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, राज परिवार में नहीं आवेंगे, लेकिन बड़े बड़े महल मालियों वाले, बड़े बड़े दास दासियों वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत तो खुद पर चर्चा करना पड़ता ही है, पूरा ज्ञान में सर नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत तो खुद के लिए रखना। कोई सब एक जैसे होते हैं? कोई फ्री होते हैं,
लास्ट जन्म में, और कोई बंधन वाले होते हैं। जो फ्री होते हैं उनका पूर्व जन्म अच्छे कर्मों का है या खराब कर्मों का है? अच्छे कर्मों का है, उनको कोई बंधन नहीं है। तो बंधन न होने के कारण अपना तन, अपना मन, अपना धन पूरा ईश्वरीय सेवा में चाहे तो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो उनके लिए तो आपकी बात लागू नहीं होगी। बाबा शुक्र तारा हानि ध्रुव तारा, शुक्र तारा बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर लगाता है और ध्रुव तारा कोई चक्कर नहीं काटता, एक जगह स्थिर रहता है। कहां ध्रुव तारा और कहां शुकर अवतार। शुकर कहते हैं सुअर, कहां कीचड़ में लौटने वाला और कहां शेषनाग की सैया के ऊपर शयन करने वाला। अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पुरुषार्थ में? है बाबा, यज्ञ के आदि में शिव बाप ने जगदम्बा में प्रवेश किया था, तो अंत में भी ऐसा होगा क्या? त्रिमूर्ति में लास्ट जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जगदम्बा होगी या नहीं होगी? तो तीनों मूर्तियों के साथ पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? है कोई महात्मा है जो तीनों मूर्तियों के साथ टाइम टू टाइम पार्ट बजाती है? शिव बाप ही पार्ट बजाता है। कोई मूर्ति के साथ वाचा का पार्ट बजाता है? 100% वाचा पावरफुल, कोई उसका मुकाबला न कर सके। जैसे सिखों का मंदिर होता है, क्या कहते हैं गुरुद्वारा, वहां क्या चलता रहता है? है अखंड वाणी चलती रहती है। और कोई मंदिर में ऐसा नहीं होता है। तो वो मूर्ति वाणी चलाने में बहुत होशियार है, इतनी होशियार है कि शंकर की छाती पर भी पांव रख देती है तो कुछ नहीं बोलते। कोई मूर्ति ऐसी है त्रिमूर्तियों में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है, वाचा से उतना पार्ट नहीं बजाती जितना चलन से पार्ट बजाती है। तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली मूर्ति कौन है? वैष्णो देवी। तो अंतर पड़ जाता है। और बाबा कहते हैं कि जो बर्फ के पहाड़ धसा लेंगे और समुन्द्र उछल खाएंगे और नदियां बांधे छोड़ेंगे, नदियां बांधे छोड़ेंगे, बोले वहां जल रहेगा और बम्बई डूब जाएगा। तो जब बम्बई पहले जाएंगे, बम्बई का विनाश पहले होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे ही देश, पाकिस्तान, सारे ही देश डूब जावेंगे।
हाँ भारत बचेगा, भारत बचेगा। हाँ तो और एक मुरली में कहा है कि अरे एक बात तो हल कर लो पहले, तो इसका बेहद का अर्थ क्या है बाबा? इसका बेहद का अर्थ यही है कि पहाड़ कौन है बड़ा? हिमालय। वो हिमालय किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा। उनके दिमाग में ज्ञान जल जमा हुआ रहता है या बहता हुआ होता है? जाम रहता है। तो पहाड़ों की सारी बर्फ जो है पिघल जावेगी, समंदर में आ जावेगी, नदियां उछाल खावेंगी, सारी सृष्टि पर जलमयी हो जावेगी। वो ज्ञान जलमयी पहले होगी या स्थूल जलमयी पहले होगी? ज्ञान जलमयी होगी। जब ऐसी जलमयी सारे संसार में होगी तो देह अभिमान की मिट्टी जल में मिली हुई होगी या नहीं मिली होगी? है मिट्टी जरूर मिल जाएगी, शुद्ध जल नहीं रहेगा, उसमें सब बोड़म बोड़ हो जाएंगे, डूब जाएंगे, खलास हो जाएंगे, थोड़े से तारु होंगे सूर्यवंशी जो उस बाढ़ में भी जीवित रह सकेंगे। उनके ऊपर बाढ़ का असर नहीं होगा, ये बेहद की बातें हैं, वो हद की बातें हैं। और बाबा पहाड़ का मतलब माना ज्ञान का जो है, जो ज्ञान जिस तरीके से ये सूर्यवंशी बच्चे उसको अपनाएंगे? ज्ञान अगर सार में बना दें तो ज्यादा अच्छा है, या ज्ञान का विस्तार कर दें तो ज्यादा अच्छा है? तो कोई आत्मा है संसार की जो एक सेकंड में सार में टिक जाती है और एक सेकंड में विस्तार में आ जाती है? कोई आत्माएं हैं जो लंबा टाइम लगाएंगी, सार में भी नहीं टिक पाएंगी और विस्तार में भी नहीं जा सकेंगी, तो घाटे में रहेंगी या फायदे में रहेंगी? घाटे में आ जाएंगी। बाबा हाँ, आगम और निगम का क्या राज है? यादव या आगम निगम? आगम निगम शास्त्रों का नाम है, आगम और निगम शास्त्रों की व्याख्याएं हुई हैं, जैसे वेदों की व्याख्या हुई तो आरण्यक और ब्राह्मण निकले, उनकी भी व्याख्या हुई तो उपनिषद निकले, उनकी भी व्याख्या हुई तो पुराण निकले, इन सब को मिला के रे आगम निगम कहा जाता है। और ब्रह्मा ज्ञान जो है तो ब्रह्मा में जाम
और जब बाढ़ निकलेगी ब्रह्मा से ये ज्ञान आएगा कि बाढ़ लास्ट में ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण बनेगी या नहीं बनेगी, तो बर्फ पिघलेगी कि नहीं, दिमाग में चढ़ी रहेगी है। हाँ राम रावण का युद्ध होता है ना, तो सागर पृथ्वी से चिपका हुआ है या सूर्य की तरह दूर है, तो ज्ञान सूर्य कौन है और ज्ञान सागर कौन है? है ज्ञान सूर्य है शिव और ज्ञान सागर कौन है? हाँ जी, वो राम वाली आत्मा बेहद में है निराकार राम, जो ज्ञान का बाण लगाती है निराकार राम, सुखाता नहीं है, प्रत्यक्ष कर देता है, सामने आ जाता है। हाँ जी बाबा, शुभ आप सदा कल्याणकारी है, तो मुरली में बोला है कि राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, तो ये शुभ आपके परम धाम जाने के बाद की बात है। बिल्कुल, जब विनाश का सारा साज सामान तैयार हो गया तो शिव बाप यहाँ रह करके क्या करेंगे? और मतलब 2000 बात कर रहे थे, सब राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, एडवांस पार्टी में सब राजा क्वालिटी की आत्माएं सब नहीं है, सब में थोड़े समझो प्रजा क्वालिटी की भी है, भक्त क्वालिटी की भी है, सब धर्मों की भी है, सब हाँ सब धर्मों के बीज है। तो जब संगठन हमें चलाना पड़ता है तो संगठन रूप में सब एकत्रित होने के लिए क्या उनका आवश्यकता है? वाइब्रेशन एक होना चाहिए, अगर वाइब्रेशन एक नहीं है तो अलग अलग धर्मों के साबित हो जाएंगे। माया की जो लास्ट परीक्षा होगी उसमें सब बिखर जाएंगे। जिनके वाइब्रेशन बाप के वाइब्रेशन से मन मना भाव से मिलते जुलते होंगे वो ही ठहर सकेंगे, जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प होना चाहिए। बच्चों का संकल्प अलग अलग है और बाप का संकल्प अलग है, तो बिखराव आवेगा या संगठन बनेगा? बिखराव आ जाएगा, माया चांस ले लेगी। है ये कीचड़ और दरिया में डाल, इससे क्या राज है? दान करने के बाद मुड़ के भी नहीं देखना हमने ये दान किया, दान करना ही नेकी है। अगर मुड़ के देखा कि हमने दिया तो उल्टा असर करेगा, चांडाल बना देगा। बाबा कहते हैं कि एक दिन पानी का बूंद नहीं रहेगा और एक दिन कहीं को दाना नहीं रहेगा, तो उसका भेद का अंतर क्या है? जब ज्ञान में आए थे भट्टी की थी तो बुद्धि में ज्ञान ज्यादा चलता था या कम चलता था? ज्यादा चलता था, और अब धीरे धीरे क्या होता जाता है? है अब सूखता जाता है। तो यही अर्थ है इसका कि धीरे धीरे ऐसी स्टेज भी आ जाएगी
कि चारों ओर अकाल पड़ेगा। बहुतों को ज्ञान सागर बाप ही देखने में नहीं आवेगा। तो ज्ञान जल का अकाल पड़ जावेगा या नहीं पड़ेगा? अकाल पड़ जावेगा। प्रत्यक्षता होने से पहले की बात है। है हाँ जी, तो प्रैक्टिकल में संगम नहीं हुआ है। हाँ नहीं हुआ है तो गायन कैसे है? कोई की इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल में रहने के कारण वाइब्रेशन भी कंट्रोल में रहते हैं। बाबा की याद में रहने से वाइब्रेशन कंट्रोल्ड होते हैं। बुद्धि ऊपर चढ़ेगी कि नीचे आएगी? जब बुद्धि ऊपर चढ़ेगी तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी या नीचे आएगी? है ऊपर चढ़ेगी तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा? है नहीं होगा। सारी मन बुद्धि की बात है। नंबर वार सभी आत्माओं के लिए लागू होगी। तो क्या नंबर वार सभी आत्माएं प्रैक्टिकल में वो कर्म होंगे या फिर ऐसे उसी एक आत्मा के लिए होता है? धर्म के अनुसार एक आत्मा के लिए भी लागू है और धर्म के अनुसार दूसरी आत्माओं के लिए लागू भी है। चोरी चकारी और डकैती करने वालों के लिए लागू नहीं होगी। बाबा माता है कृष्ण के मुख में मक्खन देते थे स्वर्ग का मक्खन तो उनका भी है ना? हाँ, जो बारिशदार निकलते हैं अच्छे अच्छे बच्चे वो स्वर्ग का मक्खन नहीं है? भक्ति मार्गदर्शन करो अद्भुत क्यों करते हैं? भक्ति मार्गदर्शन करो अद्भुत क्यों करते हैं? अद्भुत अद्भुत पार्ट नहीं है? है शंकर का ऐसा पार्ट है वंडरफुल। वंडरफुल माने अद्भुत। ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। शुरू में ब्रह्मा बाबा में पहले बाबा आते थे और फिर जाते थे सुबह और शाम को, ऐसा वक्त था। अभी दादी में बेसिक वाले दीके ऐसे बोलते हैं, दादी में अभी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आते हैं, बाप दादा शिव बाबा कहाँ आते? नहीं बेसिक भी बोलते हैं। बोलने से क्या होता है, आप क्यों बोलते हैं? तो उनकी बात बोल, आप बात ही मत करो झूठी। झूठों की बात आप क्यों करते? तो 15 दिन में वो टर्न क्यों रखते हैं? 15 दिन का टर्न क्यों रखते हैं? थक जाते हैं ना वाणी चलाते चलाते। अब बूढ़े हो गए ना, 100 साल का बूढ़ा बूढ़ा कहा जाएगा ना, तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं या पावरफुल रहती है? है वाणी शिथिल हो जाएगी या पावरफुल रहेगी? शिथिल हो जाती है। आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, परमात्मा बाप को नहीं पहचान पाते, इसलिए उनकी आत्मिक स्थिति पक्की हो जाती है। निराकार माने आत्मिक स्थिति। हाँ, देवताओं को भी वरदान देता है और असुरों को भी वरदान देता है। अच्छों को भी प्यार करता है और बुरों को भी प्यार करता है। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा है?
जो शुरुआत में अच्छी न हो, शुरू से लेकर अंत तक बुरी ही बुरी हो, है कोई आत्मा? है? सब शुरुआत में आदि में अच्छे होते हैं और अंत में बुरे होते हैं। तो किसी से घृणा करना, किसी से प्यार करना, ये भगवान का काम हुआ क्या? नहीं हुआ। भगवान तो सदैव आदि स्वरूप को ही देखता है, अंत के तामसी रूप को नहीं देखता है, क्योंकि जानता है ये संग के रंग में ऐसे बने हैं। मेरे संग का रंग जब इनको लगेगा तो क्या बन जावेंगे? हैं? ये भी सतोप्रधान बन जावेंगे। मुसलमानों में बकरा जब काटते या कोई भी जानवर जब काटते तो उसको मेरे लेंगे, उसको पानी पिया। हिंदुओं में भी जब कोई मरता है तो जब जलाते उसको, आग लगाते उस वक्त उसी उसको पानी बकरा उस तरफ से पानी देते, चक्कर लगाते, पानी का चक्कर लगाते। तो ऐसी दुनिया में कोई आत्मा है जो नंबरवार ज्ञान लिए बगैर मुक्ति को पा जाए? है कोई? तो यही अर्थ है इसका। हर आत्मा को चाहे जैसा भी पार्ट बजाने वाली है, भगवान भगवती का पार्ट बजाने वाली है, देवी देवता का पार्ट बजाने वाली है, इस्लामियों का पार्ट बजाने वाली है, बौद्धियों का पार्ट बजाने वाली है, या नास्तिकों का पार्ट बजाने वाली है, कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, जब तक नंबरवार ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक कोई भी मुक्ति पा करके मुक्ति धाम में नहीं पहुंच सकता। तो ज्ञान माने ज्ञान जल, और जिस पत्थर से वो घड़ा खोदते वो पत्थर को जान बोलते बड़ा संभाल के रखना पड़ता कुछ दिन ऐसा जीव जिसको ये बुद्धि गढ़ा है। कोई की बुद्धि में जल्दी ज्ञान बैठ जाता है, कोई की बुद्धि में जल्दी ज्ञान नहीं बैठता। माया सबसे बड़ा पत्थर है, वो अच्छों अच्छों की बुद्धि रूपी घड़े को फोड़ देती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका बुद्धि रूपी घड़ा माया से प्रभावित न हो। और बुद्धि मार्ग में तीन राम का गायन, आत्मा राम, पंचो राम और श्री राम, इसका भेद में क्या है? एक ही के बाबा के ऊपर ही राम की आत्मा ऊपर भी चढ़ती है तो श्री बनेगी कि नहीं बनेगी? श्री राम कहा जाएगा या उसे श्री परशुराम कहा जाएगा? श्री राम कहा जाएगा, क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनती है, कलाओं से भी परे बन जाती है। और वो ही राम की आत्मा 4 कला का परशुराम भी बनती है, नीचे भी गिरती है। वो ही राम की आत्मा में शिव प्रवेश करता है तो सर्वोपरि राम है, निराकार राम, निराकारी स्टेज वाला, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ऐसा पार्ट भी बजाता है। और बाबा सब जगह विठ्ठल और रुक्मिणी की मूर्तियां साथ साथ दिखाते हैं, विठ्ठल और रुक्मिणी की मूर्तियां जो मंदिर होते हैं साथ साथ दिखाते हैं, लेकिन पंढरपुर में ऐसा क्यों है कि विठ्ठल को एक जगह बताया है और रुक्मिणी को थोड़े दूर मंदिर है?
सामना क्यों नहीं है अभी पंडरपुर में, इसका बहन में आपसे क्या है बाबा? सब बातों का अर्थ तुरंत नहीं बताया जाता है, आगे की पढ़ाई पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? हाँ बाबा, गीता में ऐसा बहुत सा श्लोक आता है जो साबित करता है, गीता में ऐसा बहुत सा श्लोक आता है जो साबित करता है कि गीता का भगवान दोष है नहीं, शिवशंकर भोलेनाथ जी। मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, ये श्लोक ढेर के ढेर आए हैं गीता में, ये क्या साबित करते हैं? अजन्मा हूँ, तो ये श्लोक क्या साबित करते हैं? यही साकार में जो कृष्ण को भगवान मानते हो, कहते हैं साकार में होते हुए भी अभोक्ता अकर्ता। मृत्यु हुई कि नहीं हुई? फिर जिसकी मृत्यु होती है, जिसका जन्म होता है, वो अकर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। भोगी होने के कारण ही मृत्यु होती है, नहीं तो शंकर की तरह अमरनाथ बन जाए। हाँ जी बाबा, राधे कृष्ण के माँ बाप की इतनी महिमा नहीं होती, इतनी राधे कृष्ण की होती। संगम युगी राधे कृष्ण की बात है या सतयुगी राधे कृष्ण की बात है? संगम युगी राधे कृष्ण की बात है। जो संगम युगी राधे कृष्ण को प्रत्यक्ष रूपी प्रत्यक्षता रूपी जन्म देते हैं, उनको भी प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो कोई बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो जो बनते हैं उनकी महिमा नहीं है उतनी। बाबा, मारी मामा शकुनी मामा और कंस मामा, इसमें कौन सा मामा अच्छा है? एक भी नहीं अच्छा है। न मामा अच्छा न मौसी अच्छी। कल्प वृक्ष के चित्र में नीचे जो आगे जो तीन बुंदा है ना ऐसा है, वो जो धड़ धड़ कल्प वृक्ष के चित्र में दूर, तो उसमें से यहाँ स्वदेशी, यहाँ लेफ्ट इसमें विदेशी विधर्मी दिखाए और यहाँ स्वदेशी विधर्मी दिखाए है, स्वदेशी विधर्मी ना बौद्धि सम्यक धर्म वगैरह। सो ये सब कन्वर्ट होने वाले देवताओं में से ही है ना, 9 लाख में से भी सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं। कि मुझे कहना ये है कि कौन से कन्वर्ट नहीं होते, आखिर तक पक्के पक्के आदि देवी देवता सनातन के धर्म के रहते हैं ना, वो विजयमाला के रहते हैं या रुद्रमाला के रहते हैं, ये कुछ पवित्र कौन से रहते हैं? तो जो पवित्र रहते हैं वो अक्षुण्ण रहते हैं, जो पवित्र नहीं रहते हैं वो आखिरी जन्म में जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे, आखिरी जन्म में। माना द्वापर में या कलयुग शुरुआत में? नहीं, हो तो इस्लामी कन्वर्ट होंगे या सूर्यवंशी कन्वर्ट होंगे। ऐसा लाख में से भी अभी रुद्रमाला के चमन के वो आखिर अंत में ही भला भला, लेकिन कन्वर्ट होंगे जरूर। हाँ जी हाँ जी। सपने क्यों पढ़ते हैं? सपने बहुत पढ़ते हैं। स्वप्न और संकल्प, इनका कनेक्शन पूर्व जन्मों से होता है, इस जन्म में भी ये कनेक्शन है। जो मिसाल दिया है कपड़ा बेचने वाला बाजार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, तो रात में सपने में अपनी धोती फाड़ देता है। साकार बाबा के सपने ज्यादा पड़ते हैं, साकार बाबा के सपने ज्यादा पड़ते हैं कि बाबा
आ रहे किसी सेंटर से और मैं भागता जा रहा हूँ। बहुत पढ़ते हैं। हाँ जी, तो 63 जन्मों का हिसाब किताब ऐसा ही होगा। स्वप्न और संकल्पों का हिसाब किताब कौन से जन्मों से कनेक्टेड है? पास्ट के जन्मों से कनेक्टेड है। बारह ज्योतिर्लिंगम में जैसे दो बाकी 10 बच्चे हैं, तो वहाँ भी शिव बाबा ही थे। मतलब क्या इनकी बात समझी किसी ने? बारह ज्योतिर्लिंगम में ना बताते हैं ना, हाँ जी, तो उसमें से दो निकाल के 10 बच्चे, दो निकाल के 10 बच्चे, दो क्यों निकाल दिए? बाबा को निकाल दिया। बाबा को ही निकाल देंगे तो बचेगा क्या? अगर बाबा को ही निकाल देंगे तो जो 11 रुद्रगण है वो भी प्रत्यक्ष नहीं होंगे। हाँ जी बाबा, विजय माला का मणका है वो पवित्रता का मणका है। विजय माला यानी उन्होंने पवित्रता अच्छी धारण की और जो रुद्र माला के वो ज्ञान में अच्छे चलते, तो ऐसी आत्मा होगी ना जो पवित्र। अच्छे कहाँ चलते हैं? बोल बोल ज्यादा करते हैं या प्रैक्टिकल में पास होते हैं? तो अच्छे कहाँ हुए? ऐसी आत्मा होगी जो ज्ञान में भी टिकी होगी और पवित्रता में टिकी होगी, वो सूर्यवंश में आएगी, सूर्यवंश धरण में। वो तो उसमें क्वालिटी अच्छी है। वो तो सूर्यवंश के 8 ही हो गए ना, जो प्रैक्टिकल में भी पास होते हैं और ज्ञान में भी पास होते हैं, सेवा में भी पास हैं, धारणा में भी पास हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट्स में पास हैं। और बाबा भी वाणी में आया ना, राजस्थान से बचपन में जो निकली वो अभी तक सेवा में अमर है। वो देखना पड़ेगा, दीदी दादियों से पूछना पड़ेगा। बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछ सकते हैं ना अभी आप, राम वाली आत्मा में अभी ब्रह्मा भी है, राम भी है, राम वाली आत्मा कंटिन्यू याद में है ब्रह्मा, तो कौन पूछे? शिव बाबा से कौन पूछे? नए मकान की वास्तु शांति क्यों होती है? नए मकान की वास्तु शांति करते हैं, उसका बेहद का अर्थ क्या होता है? वास्तु क्या करते हैं? वो तो परंपरा पड़ी हुई है कि जब नई सृष्टि बनी थी तो नई सृष्टि जब बनाई गई तो सबसे बड़ी वास्तु पूजा हुई है, उसकी यादगार में इन मकानों की भी पूजा करते हैं, जो अभी कुछ वर्षों के बाद क्या होने वाले हैं, धराशायी होने वाले हैं। वास्तु पुरुष तो आपने दिशा में रखे, वास्तु पुरुष तो वास्तु शांति करते, तो उसके बाद वास्तु पुरुष को आपने दिशा में रखे। हाँ तो जल जाएंगे? अग्नेय जो है कौन है, उसमें अग्नि है या नहीं है? अग्नि क्या करेगी? सारे ही शास्त्रों को जला देगी। और आगरा का धर्म है, ममता कर्म है ना, आगरा का कर्म है, हाँ ममता कर्म है, वो आकर्षित करते वो भी क्या उसका नाम है जिसकी यादगार में ताजमहल बनाया गया, ममताज महल। मामा माने मेरा,
ताज माने जिम्मेवारियों का ताज जिसने धारण किया, उस जिम्मेवारी के ताज का किला, वो तो स्थूल किला है। वो मुमताज कलयुग में हुई और उसका बादशाह वो भी कलयुग में हुआ। उस बादशाह का नाम क्या था? शाहजहां। कहां का शाह था? सारे जहां का शाह था। उसका तो नाम था शाहजहां, सिर्फ भारत का थोड़े हिस्से का था या सारी दुनिया का शाहजहां था? है भारत के थोड़े हिस्से का शाहजहां था, शाह था वो, झूठा शाहजहां था। यादगार किसकी है जो नाम पड़ा शाहजहां? है और संगम युग में ही शाहजहां होता है और संगम युग में ही उसकी जिम्मेवारियों का ताज धारण करने वाला किला बनता है जब वैष्णो देवी निकलती है। बाबा है राजा ने जब ताज में बनवाया तो जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए है। राजा ने काट दिए या राजा की बुद्धि में माया घुस गई उसने काट दिए? तो संगम युग में भी ऐसा ही होता है, बुद्धि में माया प्रवेश करती है तो जो अच्छे अच्छे सहयोगी होते हैं उनके बुद्धि रूपी हाथ काट दिए जाते हैं माया के द्वारा।